ब्रह्मज्योत सत्ती अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा जेकेयूटी के निर्देश पर भाजपा ओबीसी मोर्चा की विभिन्न जिला और मंडल टीमों ने हाल ही में पंजाब में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सुरक्षा उल्लंघन पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। ओबीसी मोर्चा के राज्य पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों द्वारा पूरे जम्मू कश्मीर में अपने अपने जिलों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारेबाजी की। उन्होंने भारतीय झंडे, भाजपा के झंडे और तख्तियां पकड़ी थी, जिस पर कांग्रेस के खिलाफ नारे लिखे गए थे और उन्होंने इस सुरक्षा उल्लंघन में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक रुका रहा, जो स्वीकार्य नहीं था और पूरी तरह से पीएम के प्रोटोकॉल के खिलाफ था। उन्होंने इस सुरक्षा चूक की निंदा की और कहा कि यह पंजाब में फूट डालो और राज करो की राजनीति का असली चेहरा है। विरोध पर बोलते हुए ब्रह्मज्योत ने कहा कि यह पूरी तरह से गैरकानूनी है और कांग्रेस एंटी नेशनलिस्ट की पार्टी है और अब वे राष्ट्रवादी के बीच अपना असली चेहरा और गुस्सा दिखा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल बांटो और राज करो की राजनीति करती है और पंजाब के लोगों को अपने राष्ट्र विरोधी गुंडों की मदद से बांटती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा इसकी कड़ी निंदा करता है और इस सुरक्षा उल्लंघन में शामिल दोषियों के खिलाफ एक साफ जांच और सख्त कार्रवाई चाहता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों, मैं शमशेर कुमार प्रजापति। आज जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे साथ मिश्रीवाला में जम्मू ग्रामीण क्या, ये पूरे प्रदेश में पूरे मंडल स्तर पर आज भाजपा ओबीसी मोर्चा की तरफ से एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज का यहाँ ये साइलेंट धरना प्रदर्शन बीजेपी ओबीसी मोर्चा जम्मू ज़िला की तरफ से और मेरे साथ मेरे जम्मू ज़िला हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे मुजफ्फर साहब से कि यहाँ पे प्रोटेस्ट बुलाया गया है। मुजफ्फर साहब से बात करना चाहेंगे, आज यहाँ पे कौन सा प्रोटेस्ट आपने रखा है? ये प्रोटेस्ट है जो परसों जो हमारे पीएम साहब की जो रैली थी पंजाब में, उस पर हमने प्रोटेस्ट किया है जी। और मैं कांग्रेस को बड़ी सहम करता हूँ, बड़ी शर्मनाक की बात है। ये जो कांग्रेस पार्टी है इतने सालों से यही कर रही है कि ये दहशतगर्दों के साथ दे रहे हैं और कुछ नहीं। इनका मसला खाली दंगा फसाद करवाना है और कुछ नहीं, बाकी इनका जो माहौल बिगाड़ना यहाँ और इनका जम्मू कश्मीर भाजपा ओबीसी मोर्चा की तरफ द्वारा एक मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट किया गया पंजाब कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ, जिन्होंने कुछ दिन पहले जहां पे फिरोजपुर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली थी और पे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, और जो पंजाब कांग्रेस है पाकिस्तान और आईएसआई और खालिस्तान के इशारों पे काम कर रही है। भाजपा ओबीसी मोर्चा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। सारा प्रदर्शन आज ओबीसी मोर्चा बीजेपी ओबीसी मोर्चा, मैं जिला अध्यक्ष बीजेपी ओबीसी मोर्चा जिला सांबा मदन लाल कर, साड़ा प्रोटेस्ट है जिहड़ा पंजाब गवर्नमेंट ने जिहड़ी अगले दिन बड़ी अनहोनी अरगत की है उदे विरोध साड़ा है प्रोग्राम है। ये थी हमारे संवाददाता विनीत कड़ी हुल्लो की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से।